गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 में आए हुए प्रश्नों की, जो क्लास 11 में पूछा गया है अंग्रेजी प्रश्नों की, चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न जो था, अब ध्यान से पहले हम पैसेज का अर्थ जान लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पैसेज का अर्थ ध्यान दीजिए, पहला हम बता रहे हैं ए गुड डीड, डीड माने होता वर्क, ध्यान देना। ए गुड डीड, अ गुड डीड मे बी डन बाई एनी वन एनी वॉक इन लाइफ, मतलब जीवन के किसी भी क्षेत्र में, एनी वॉक इन मतलब किसी भी क्षेत्र में आप एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। बाई द सोल्डर्स इन द बैरक्स आर ए बैटल फील्ड, और यह कार्य कोई सोल्डर भी कर सकता है, सिपाही बैरक में हो या बैटल फील्ड में हो, चाहे घर पे हो चाहे बैटल फील्ड में हो, वो अच्छा कार्य कर सकता है। और ये ना केवल सिपाही के द्वारा बल्कि महिलाओं के द्वारा घर पर किया जा सकता है, नर्स के द्वारा हॉस्पिटल में किया जा सकता है, बिजनेसमैन के द्वारा अपनी ऑफिस में किया जाता है, लड़कों के द्वारा स्कूल में किया जा सकता है, और इन्वेंशन किया जा सकता है वर्कशॉप पे। और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होता है, अगर आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इससे खुशियाँ मिलती हैं। बोथ ऑफ द डूअर आप दोज फॉर हुम इट इज़ डन, चाहे या कोई कार्य करने वाला हो या जिसके लिए किया जा सकता है, ये दोनों को भी खुशियाँ देता है। द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड, एक अच्छे व्यक्ति की जो अच्छी मेमोरी होती है, अगर अच्छा कार्य करने वाला है उसकी जो मेमोरी होती है, उसकी जो मेमोरी होती है वो उससे एक्साइट करती है, उससे प्रेम बढ़ता है, अगर अच्छे कार्य से करते हैं, और जो इसकी स्मृति होती है उससे एक अच्छा जो है प्रेम का भाव बढ़ता है, आभार का, ग्रेटिट्यूड के, कृतज्ञता का जन्म होता है। रिन्यूज ए मैंस बिलीफ इन माइंड, और उससे मनुष्य के जो बिलीफ होती है उसके माइंड में रिन्यू होता है, और इंस्पायर करता है दूसरे लोगों को भी इस तरीके से करने में। इट इज़ एन इंसेंटिव टू देम टू लिव प्योरली, और इस तरीके से उनके लिए एक लाभदायक लाभ का कार्य करता है, और उन्हें इंस्पायर करता है, उन्हें मोटिवेट करता है कि वो प्योरली जीवन जिए, अपराइटली सटीक जीवन जिए, और एक जस्टिफाइड, एक न्यायप्रिय जीवन जिए, और एक अच्छा व्यक्ति साथी वाले भी बने। आइए हम इसके दिए गए प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अभी खत्म होगा डायरेक्ट कैसे, चलिए अगला पहला प्रश्न क्या है देखिए, हु शुड परफॉर्म ए गुड डीड। अब इसके बारे में हम देखो इसी प्रश्न में ढूंढते हैं, ठीक है। मे बी डेड डन बाई एनी वन, यहाँ देखिए दिया गया है बाई एनी वन, तो एनी वन मतलब कोई भी, तो यहाँ लिखने आपको आंसर लिखना था एनी वन, एनी वन लिख देते आपका, यहाँ एनी वन हो जाता, एनी वन शुड परफॉर्म ए गुड डीड, मतलब कोई व्यक्ति कर सकता है, आप एवरी वन लिख सकते थे, एनी वन लिख सकते थे, ऊपर वाला आप ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड, अब ये इसका प्रश्न आपको खोजना है। अब इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए दिया गया है अ मेमोरी ऑफ ए गुड डीड एक्साइट्स लव एंड ग्रेटिट्यूड, यही दे रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग अ मेमोरी, व्हाट इज द इफेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड एक्साइट्स लव एंड ग्रेटिट्यूड, और उसके बाद ये भी लिखते हो रिन्यूज मैंस बिलीफ इन हिज माइंड एंड इंस्पायर अदर्स टू गो टू डू लाइक वाइज, इट इज़ एन इंसेंटिव टू देम लाइफ लिव प्योरली एक्ट अपराइटली एंड डील जस्टली विद देयर फेलो मैन, ये आप लिख सकते हो। चलिए अच्छा, तीसरा वाले में आपका क्वेश्चन गलत था, इसको हम छोड़ देते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन है गिव ए सुटेबल टाइटल ऑफ द एबव पैसेज, इसका एक आप लोग जो है एक टाइटल दे सकते थे, इसका टाइटल आप दे सकते थे द बेनिफिट द इंसेंटिव, या द इंसेंटिव ऑफ गुड डीड, या द बेनिफिट ऑफ गुड डीड। आगे देखिए फाइंड द वर्ड द पैसेज विच मीन्स, अब आपको इसमें एक प्रश्न ऐसा ढूंढना है, एक वर्ड जो इसका अर्थ निकाल दे रहा है, जैसे समथिंग दैट लेवर्स आर इनक्रेजेस यू, ऐसी चीज़ जो किसी को लेवर करती है, लुभाती है, इनक्रेज करती है, तो उसका मतलब इसमें कई वर्ड हो सकते हैं, लेकिन आप इंस्पायर लिखे होंगे तब भी सही है, आप इंसेंटिव लिख सकते थे, तो इंस्पायर हो गया, इंसेंटिव हो गया, ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पहले का आंसर हो गया समथिंग दैट लेवर्स आर इनक्रेजेस यू। सेकेंड वाला आप क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वाले में पूछ रहा है फीलिंग ऑफ बींग ग्रेट कुल, इसका माने हो गया एक ऐसी अनुभूति जिसमें आप आभार महसूस करें, कृतज्ञ महसूस करें, तो उसका हो जाएगा आप ग्रेटिट्यूड, यहीं पे एक दिए गए ये आला आपको सामने दिखा है ग्रेटिट्यूड, तो इसका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा ग्रेटिट्यूड। अब तीसरा वाला क्वेश्चन है आपका इन एन ऑनेस्ट एंड मॉरल वे, अब इसमें कह रहा है कि एक ऑनेस्ट तरीका, अच्छा तरीका, मॉरल वे, तो इस ऑनेस्ट और मॉरल तरीकों को हम कहेंगे, ये ले लीजिए वर्ड अपराइटली, तो यहाँ आप तीसरे का आंसर लिख दो अपराइटली। तो इस तरीके से आपका ये तीनों का, एक पहले का ही हो गया आपका इंस्पायर, दूसरे का हो गया ग्रेटिट्यूड, तीसरे का हो गया अपराइटली। अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, अगले सेक्शन पर, राइट एंड आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल लिखना था, तो हम इसको बताए थे लाइव क्लास में भी, आपको बताए थे कि महिलाओं पर इम्पॉर्टेंट है, अब आप जो है कोशिश करेंगे जो महिलाओं पर
ये वाला हमने बताया था, आप जाके उसको लाइव क्लास में फिर से देख लीजिएगा, उसमें हम पूरा विधिवत इसके बारे में चर्चा किए हैं। अब फिर अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन। अब इसको हमने नहीं बताया था, हमने इसको बताया था, आप इसको लिखिए। तीसरे वाले में हमने फुल कंसेशन एकदम सेम ही आपके एग्जाम में आया था, आप लाइव क्लास में मैं डिस्कस किया हूँ, जाके आप उसको देख लीजिएगा। चलिए अब अगले हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसके आंसर को ढूंढते हैं। चौथा क्या है, पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमफोन्स एंड लोकल एल, ठीक है, एल्स प्रोवाइड। अब इसमें देखो कंप्लीमेंट आएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि भोजन में जो आप रसगुल्ला खाते हो, भोजन के साथ सलाद लेते हो, जो भोजन को कंप्लीट करता है, सप्लीमेंट की तरह काम करता है, मतलब एक आपको पेट में खाया हो उसके बाद में जो लेते हो उसे कहते हैं पूरक, वो भोजन को पूरक करने वाले को कंप्लीमेंट लिखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है, दूसरे वाले प्रश्न पे आ जाओ, द एंटोनिम ऑफ डिस्टेंस। एंटोनिम ऑफ डिस्टेंस का मतलब होता है दूर, और इसका सिनोनिम डिस्टेंस मतलब होता है फार, कोई दूर, और इसका एंटोनिम पूछ रहा है तो हो जाएगा नज़दीक या करीब में, जो क्लोज हो किसी चीज़ को उसको बोलते हैं एडजसेंट। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड जिल, यहाँ पे आपको पर्यायवाची पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है, तो हम लोग सिनोनिम में इसको ध्यान देंगे, इसका सिनोनिम हो जाएगा क्या नाम है, जील का डिवोशन हो जाएगा, तो आप इसका आंसर ढूंढेंगे जी। अगर इसका सही सटीक आंसर देखा जाए तो हो जाएगा टू डाई वाइल इन सर्विस, कर्तव्य करते हुए जब मृत्यु हो जाती है किसी को उसे कहते हैं टू डाई इन हार्नेस। अब अगला क्वेश्चन आपका है ऑप्शंस ऑफ गवर्नेंस, ऐसी स्थिति जब सरकार कोई काम ना कर पाए, गवर्नेंस कोई रूल ना रह जाए, लॉ एंड ऑर्डर पूरा अफरा तफरी मच जाए, उसे कहते हैं एनार्की। अब अगला देखेंगे, अगर ध्यान से इसके कुछ और वर्ड को देखेंगे तो एपोस्टेट एक वर्ड है, इसका एपोस्टेट का मतलब होता है जो अपना रिलीजियस बिलीफ, अपना धार्मिक विचार है या आइडियोलॉजी है, विचारधारा, उसको बदल दे, छोड़ दे, धर्म त्याग दे, कोई राजनीति की पार्टी त्याग दे, तो उसे कहते हैं एपोस्टेट। और केवास मतलब होता है जहां रूल ऑर्डर सब चीज अफरा तफरी मच जाए, हंगामा होने लगे, उसे कहते हैं केवास। और एरिस्टोक्रेसी माने होता है जो किसी रिच फैमिली में पैदा हो उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो पांचवा आया था उस पे ध्यान देते हैं, यू सेड टू राधा आई एम स्टडिंग, इसका हो जाएगा यू टोल्ड राधा, आई हो जाएगा, यहाँ आई है फर्स्ट पर्सन तो यू के अनुसार यू हो जाएगा, तो यू आर स्टडिंग। सेकेंड वाला है द लाइब्रेरियन सेड, लाइब्रेरियन ने क्या कहा, यू कैन कीप दिस बुक विद यू। अब इसका क्या हो जाएगा, सेड है कि वो तो बदमत बदलो, तो द लाइब्रेरियन हो जाएगा सेड, दैट लगाओ, यू सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट, यहाँ मी मान लो, सेड टू मी, तो यहाँ हो जाएगा आई कुड कीप दैट बुक विद मी, ऐसे करके हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न की तरफ, इसमें पूछ क्या रहा है आप ध्यान से देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, कैसे क्या, ही रन्स वेरी फास्ट ही विल विन द रेस। दो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस बनाना है आपको दो को जोड़ के, और सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, और फाइनाइट वर्ब में क्या हो जाएगा, ही रन्स वेरी फास्ट, आप सेकेंड वाली वर्ब ढूंढो उसको इन्फिनिटिव से बना दो, तो सेकेंड वाली वर्ब है ही विल विन द, तो यहाँ पे सेकेंड वाली वर्ब है क्या नाम है विन, तो विन के आगे टू जोड़ दो, तो ही रन्स वेरी फास्ट टू विन द रेस। अब अगला क्वेश्चन, चलिए अगला अब हम लोग बच्चों चर्चा करते हैं, अगले वाले प्रश्न पे आते हैं, क्या था अगला आपका, अगला था ये रन्स वेरी फास्ट। दूसरा देखो ध्यान से, इसमें दोनों, शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, हिज फादर डिड नॉट, आप देखो जहाँ पे दोनों निगेटिव दिखा वहाँ नीदर का प्रयोग होता है, तो यहाँ हो जाएगा नीदर शुभम नार हर हिज फादर वेंट टू नैनीताल, ये बना सकते हो या ऐसे ही बना सकते हो आप, नीदर शुभम वेंट टू नैनीताल, यहाँ हो जाएगा नीदर शुभम वेंट टू नैनीताल, और उसके बाद नार लगा दो, नार हिज फादर वेंट टू नैनीताल, ऐसे करके भी बना सकते हो। अब अगला क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं, इसमें सेंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफार्मेशन इट इज़ टू, टू को किस में बदलते हैं, सो में, तो इट इज़ सो हार्ड, अब उसके बाद तुरंत हार्ड के बाद दैट लगाओगे, दैट यहाँ हो जाएगा इट कैन नॉट बी ब्रोकन। अगला है दूसरा वाले का, क्या कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, इसको पैसिव वॉइस में बदल देते हैं, तो यह हो जाएगा यू आर सजेस्टेड टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, या यू आर एडवाइस भी लिख सकते हो, यू आर एडवाइस टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। अब अगला क्वेश्चन चौथे पे आ जाते हैं हम लोग, चौथा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब यहाँ दिया है इफ़ इट विल रेन, अब देखो जहाँ पे इफ लग जाता है तो वहाँ प्रेजेंट टेंस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इफ इट रेन्स हो जाएगा, यहाँ रेन्स हो जाएगा, आप कमा वैसे जोड़ दो, तो जहाँ पे इफ लग जाता है वो प्रेजेंट में होता है, यहाँ विल है, यू विल फ्यूचर का ही द्योतक है, तो यहाँ विल के जगह पे आप लगाओगे इफ इट रेन्स हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आगे हो जाएगा सी के साथ हैव नहीं लगता, हैज लगता है, तो यहाँ हो जाएगा सी हैज डन इट। अब आगे है अडॉप्ट माने होता है अनुकूल होना, अडॉप्ट माने होता है गोद में लेना, तो जैसे मैंने क्या होता है आई अडॉप्टेड माई सेल्फ,
ठीक है, मैंने अपने आप को टू अकॉर्डिंग टू द एटमोसफियर, मैंने अपने आप को किसके अनुसार ढाल लिया, एटमोसफियर के अनुसार। और दूसरा यहाँ पे जो है अडॉप्ट है, अडॉप्ट माने होता है जैसे किसी के पास कोई बच्चा ना हो गोद में लेना, तो यहाँ पे या गोद में लेना अंगीकार करने बोलते हैं। जैसे ही हैज सी हैज़ नो चाइल्ड, उसके पास कोई बच्चा नहीं था, सो उसने क्या किया, सी हैज़ अडॉप्टेड, ठीक है, राम, तो उसने अडॉप्ट कर लिया राम को, एक लड़का है कोई उसको। दूसरा है कैरियर एंड कुरियर। करियर का मतलब होता है कोई फ्यूचर किसी का संबंधित है, जैसे आई वांट टू परस्यू माय करियर इन मेडिकल सेक्टर, तो यहाँ करियर का मतलब होता है लाइफ का, फ्यूचर का करियर। आगे है कोरियर, कोरियर को ध्यान दो, कोरियर में है आप कोरियर जानते ही हो, कोरियर का मतलब जो सामान भेजा हो सकता है, आई सेंट माय आइटम थ्रू कोरियर, कोरियर के द्वारा भेजा गया। अब अगला क्वेश्चन जो था वो ट्रांसलेशन पर आधारित है। प्राचीन काल में जो है ये प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा रहता था, राज्य करता था, वह बड़ा न्यायी राजा था। अब इसका बना लो, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये प्राचीन काल में एक तरीके एडवर्ब होता है, इसको हमेशा पहले लगाते थे, इन एंशियंट टाइम हो गया है। विक्रमादित्य क्या हो गया, इस सब्जेक्ट हो गया था विक्रमादित्य, और राज्य करता था क्या होता, रेन, तो विक्रमादित्य ये हो गया राज्य करता, तो वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ तक लेते हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए हो जाएगा इन एंशियंट टाइम, या किंग नेम विक्रमादित्य रेंड, ऐसे हो जाएगा। दूसरा हुआ बड़ा न्यायी राजा था, तो इसका हो जाएगा ही वाज वेरी जस्ट किंग। अगला है तीसरा वाला पैराग्राफ में आप देखो, तीसरा वाले में आप लोग तीसरा क्या पूछ रहा हूँ, आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं, तो आज भी को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन टूडे। अब सब्जेक्ट ढूंढ लो, उसके न्याय की लोग, तो इवन टूडे पीपल, प्रेज, प्रेज माने हो जाए प्रशंसा करते हैं, फिर प्रेज हिज जस्टिस, ये हो जाएगा, लेकिन हिज जस्टिस उतना अच्छा नहीं है जितना हो जाएगा द जस्टिस गिवन बाई हिम, ऐसे करके होगा। अगला है आपका, एक दिन कुछ लड़के गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे, इसका क्या हो जाएगा, एक दिन का हो जाएगा वन डे, कुछ लड़कों का हो जाएगा सम बॉयज, एक दिन वन डे सम बॉयज आप खेल रहे थे, का हो जाएगा वर प्लेइंग, कहाँ खेल रहे थे, इन अ जंगल नियर बाय ए विलेज। अब आगे क्या है, अगला वाला है, वहाँ उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा, अब वहाँ मतलब हो जाएगा देयर, वो कौन देखा, उन्होंने मतलब क्या हो जाएगा ही, और देखा का क्या हो जाएगा सा, तो वहाँ का क्या हो जाएगा देयर ही सा आ ही पाप सॉइल, वहाँ मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका हुआ था, इसका हो जाएगा विच वॉज कवर्ड विद स्टोन। अगला है, उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया, तो यहाँ हो जाएगा उनमें से एक का हो जाएगा वन ऑफ द बॉयज बैठ गया का हो जाएगा सैट ऑन द स्टोन, मतलब हो जाएगा ऑन द स्टोन, तो वन ऑफ द बॉयज सेट ऑन द स्टोन। अगला हो जाएगा, उसने अपने साथियों से कहा, ही सेट टू हिज फ्रेंड, अपने साथियों से कहा, क्या कहा, तुम लोग यू गाइज अब कामा लगाओ, ब्रिंग योर केसेस टू मी, अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, आगे क्या हो जाएगा मैं न्याय करूँगा तो आई डू जस्टिस। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, अब आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखिए ध्यान से क्या पूछा गया है, वाई वाज ग्रैंड मदर अनहैप्पी, देखो ग्रैंड मदर क्यों अनहैप्पी थी, इसका मैं थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ, इसलिए अनहैप्पी थी कि उनको लगा वो जाने लगा है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और इंग्लिश मीडियम जब शहर में गया, सिटी में रहने गया, तो उसे लगा कि अब इंग्लिश स्कूल में उसे भद्दी भद्दी चीज़ें अपनाई जाएंगी, उसे कल्चर और अपने धार्मिक चीज़ों से दूर किया जाएगा, इसलिए उसकी दादी माँ जो कि नाखुश थी, इसी को आपको शब्द में लिखना था। अब अगला दूसरा प्रश्न टुट की मम्मी के बारे में है, टुट की समाधि जो नीचे गाड़ी गई थी, इसमें कह रहा है उसे टंब से बाहर क्यों निकाला गया, तो इसका दो रीज़न था, एक रीज़न था दो तरीके से लोग निकाले थे, इसका रीज़न एक ही था कि लोग चाहते थे कुछ जानकारी, उसकी मौत रहस्यमयी हुई थी, आखिर 1819 साल में उसकी मौत क्यों हुई, ये जानकारी के लिए लोगों ने निकाला। दूसरी बात, उसके पहले भी खोदा गया, दूसरी बात उसके साथ बहुत सारी मनी थी, पैसा था, इसलिए भी लोग उसके पहले खोदा करते थे, लेकिन मुख्य रहस्य उसके मृत्यु का रहस्य का पता लगाने के लिए, उसकी मृत्यु का रहस्य का पता लगाने के लिए ऐसा किया गया था। अब देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से जो है आप लोग अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चलिए इसको आप लिख देना, ग्रीन मूवमेंट वाला हम आगे में पढ़ाएंगे। अब अगला प्रश्न है आप, गिव ए ब्रीफ करेक्टर इस खुशवंत सिंह की दादी माँ कैसी थी, तो दादी माँ की इस बारे में क्या था, रिलीजियस थी, रिलीजियस आप जानते हो दादी माँ रिलीजियस थी, पहली बात तो पूजा पाठ में विश्वास करती थी, भारतीय परंपरा को विश्वास करती थी, और वह चाहती थी कि हर व्यक्ति को मॉरल वैल्यूज पे जोर देती थी, तो कई प्रकार की, और बहुत बूढ़ी थी और अपने से बहुत प्रेम करती थी, एनिमल लवर थी, जानवरों को चिड़ियों को बहुत मोहब्बत करती थी, इन तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें आप इसके बारे में लिख सकते हो। अगला छोड़ते हैं चूँकि एक ही आपको करना था, हम एक ही बता रहे हैं। अब अगला हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो फोटोग्राफ से आया हुआ है, अ स्वीट फेस माई मदर्स फेस मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बर्न एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस
वॉज देयर टेरिबली ट्रांजेंट फीट। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें दिया है माई मदर्स ए स्वीट पे कह रहा है कि मृत्यु जब मेरी माँ क्या थी, छोटी थी, जब मेरे जन्म के पहले कितनी सुंदर थी। मतलब आपने देखा हो माँ ने बहुत सारी चीज़ जो है अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी सुंदरता गंवा देती, वही कह रहा है मेरी माँ का जो फेस था वो स्वीट था, मधुर था जब मैं पैदा, माई मदर्स मेरी माँ का फेस स्वीट था जब मैं पैदा नहीं हुई थी। आप जानते हो समय के साथ जैसे जी के जो जन्म होता है, जैसे ही एक दो बच्चों और महिलाओं को जन्म होता है उनकी सुंदरता ख़त्म हो जाती है, तो जो माँ थी उसकी जो है जब पैदा नहीं हुई थी तो उसकी माँ बड़ी ही प्यारी थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस कह रहा है कि मेरी माँ तो क्या हो गई, चेंजलेस, जो समुद्र तो बहुत कम बदला चूँकि ये शाश्वत है, लेकिन माँ आज भी पैर धो रहा है, लेकिन माँ की सुंदरता मेरे फिनिश हो गई। अब आगे देखिए दूसरे वाले का क्या पूछ रहा, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर मदर फेस। अब मदर का फेस के बारे में जो पोएट है वो क्या डिस्क्राइब करता है, तो कह रहा है कि यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है द पोएट डिस्क्राइब, ठीक है, हर मदर फेस स्वीट, इसे स्वीट बताता है, ब्यूटीफुल दिखाता है, सुंदर दिखाता है, कब टू दैट वॉज बिफोर आई वॉज बन, कहता है कि जब वो पैदा नहीं हुई थी। अगला है आपका When did the poet's mother have a sweet face? कब था, यहाँ before, यहाँ लिखोगे the poet's mother have a sweet face before, ठीक है, I was born, before the, ठीक है, before the birth of poet, ऐसे करके भी लिख सकते थे। Who was the feet of the girls? गर्ल्स के आज भी पैर कौन धो रहा है, जहाँ पे उसकी दादी माँ उसकी मम्मी गई थी समुद्र के, जहाँ पे उन तीन बहनें अपना समुद्र में अपना पैर धो रही थी वो ही धो रहा था। यहाँ क्या हो जाएगा, द सी वॉज द फीट सब, तो यहाँ हु की जगह केवल द सी लिख दो, उसके बाद सब लिख दो, वॉज द फीट ऑफ द गर्ल्स। आगे आपको सेंट्रल आइडिया बताए थे हम, आगे अब सेंट्रल आइडिया पे हम चर्चा करते हैं। सेंट्रल आइडिया है फोटोग्राफ का, तो फोटोग्राफ में तीन और आप लिखोगे कितना स्टेज, देर आर थ्री स्टेजेस, एक बॉयहुड दिखाया गया है जब वो उसके जब वो पैदा नहीं हुई थी, एक दिखाया गया जब वो पैदा हो गई थी, एक जब वृद्ध हो गई, एक जब मर गई। इसी के बारे में आपको दिखाना है कि सुंदरता जो होती है क्षणभंगुर होती है या शाश्वत नहीं होती है। मनुष्य पैदा होता है तो कितना सुंदर होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, और औरतें तो कितनी सुंदर होती है, उसके बाद क्या होती है, जैसे जन्म होता है लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो इन तरीके से एक व्यक्ति का अंत हो जाता है, नश्वर है। लेकिन ये दिखाया और दिखाया गया है कि जो प्रकृति की चीज़ें हैं जैसे समुद्र है, नेचर है, प्रकृति है, ये हमेशा शाश्वत ही शाश्वत हैं, शाश्वत रहेंगी। ये आप फोटोग्राफ के बारे में है। लेबर्नम के बारे में एक पेड़ है जिसमें गोल्ड फिंच है, और जो आती है वो एक शाखाओं पर बैठती है, जब आती है तो उनके बच्चे छोटे छोटे बड़े चहचहाने लगते हैं, वहाँ पे बड़ी ही रौनक आ जाती है, फिर जैसे चली जाती है फिर शांत हो जाता है। मतलब शुरू में भी शांत था उसके आने के पहले, और जान जैसे चली जाती शांत हो जाता है। इसमें एक जीवन के उठाओ, ठीक है, उठक और पटक, मतलब उतार और चढ़ाव को दिखाया गया है, किस तरीके, कभी खुशी तो कभी गम, ना झुकेंगे कभी हम। आगे देखिए द वॉइस ऑफ द रैन, रैन के बारे में इसमें दिखाया गया है, रैन और म्यूजिक के बारे में जिसमें दिखाया गया है कि जैसे कि रैन बारिश होती है, तो बारिश होती है तो बड़ी सुखद एहसास होता है, पूरे सबको खुशियां बना दिया, वैसे ही संगीत है, संगीत जब उठती है तो हमारे दिल को बड़ा सुकून देती है और हम पूरी तरीके से शांत महसूस करते हैं। इस तरीके से इसमें दिखाया गया है कि इस तरीके से बारिश पूरे दुनिया को धोती है, सबको साफ सुथरा करती है और सबके मुस्कान लाने की कोशिश करती है, सुकून देती है, उसी तरीके से म्यूजिक को भी इसमें बताया गया है। अब आगे देखिए दो क्वेश्चन और बचे हैं, आगे देख लीजिए क्या है आपका, वाई वाज द गेरोगेन फैमिली फेमस। अब यहाँ इतना ईजी था, अपनी ईमानदारी के लिए, ट्रस्ट के लिए बहुत विख्यात थी, ऑनेस्टी बहुत अच्छी थी, इसलिए वो परिवार, वो वंश जो था गेरोगेन फैमिली का, वो बहुत ज़्यादा क्या था, पॉपुलर था। आगे देखिए जान बायरो कौन था, जान बायरो एक प्रकार का एक किसान था जिसका घोड़ा जो है आरम और मुराद ने चुरा लिए थे, और उसके चक्कर में वो बहुत परेशान था। अब अगला 12 वाले में आपका पूछ रहा है What do you know about the Galilean tribe? Tribe के बारे में क्यों ज़्यादा, बहुत समय पहले से रहते थे, बड़े ईमानदार थे, और ये वो उनका घर नहीं था, एक दूसरे से जाते थे, और ये इसमें दिखाया गया कभी बहुत अमीर हुआ करते थे, अब उसी के घर पे मुराद और हैं, और इसमें परिवार का मुराद है और आरम है, इसके एक चाचा भी हैं उनका याद नहीं है, आरक है, इस तरीके से पूरा फैमिली के बारे में आपको डिटेल देना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतना सुना। अब आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाओ ताकि सभी लोग अपने क्वेश्चन पर मिला लें, इसको समझ लें। शुक्रिया।